ग्रुप डी का स्कोर कार्ड आपको पता है कि 12 जनवरी को भी डाल दिया था सरकार ने, कमीशन ने। तो भाई आज जो न्यूज़ आई है वो ये है कि जो ग्रुप डी का जो सीईटी स्कोर है भाई, वो अब 3 साल के लिए रहेगा वैध। यानी कि आज जो आपने ग्रुप डी दिया था, उस ग्रुप डी का स्कोर के बेस पे आप 3 साल तक भर्ती देख सकते हो भाई, ठीक है। और इसी स्कोर के आधार पर भविष्य में भी कर सकेंगे अप्लाई, और इसी स्कोर के आधार पर जब भी नेक्स्ट जो ग्रुप डी की जो भर्ती आएगी तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका अब की बार इसमें सिलेक्शन ना हो तो, ठीक है भाई। उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 12 जनवरी को घोषित किया गया था भाई ग्रुप डी सीईटी का स्कोर, जो भी 3 साल तक वैध रहेगा। कितने साल तक? 3 साल तक वैध रहेगा। इसका मतलब यह है कि ग्रुप डी में यदि पद रिक्त रह जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है भाई, पद रिक्त रह जाते हैं तो, या कोई विभाग और अभ्यर्थी की नियुक्ति की अनुशंसा करता है, तो वेटिंग में रहने वाले उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो जिस भाई बहन को कम नंबर है, तो वो भी हताश नहीं होना, क्योंकि वेटिंग जो लगी, और ग्रुप डी की वेटिंग कम से कम 3-4 वेटिंग लगती है भाई। पहले वाले ग्रुप डी की वेटिंग 3-4 लगी, तो अब की बार भी 3-4 लगेंगी। क्योंकि क्या होता है, ग्रुप डी में लगने हमारे अपने अलग अलग नौकरी में चले जाते हैं और वो नौकरी छोड़ देते हैं ग्रुप डी के, तो इसलिए ग्रुप डी की वेटिंग बहुत उठती है। तो भी जिसके भी ग्रुप अपने कट ऑफ से 3-4 नंबर कम है, वो हताश मत होना, उनका नंबर आ जाएगा भाई 2024 के अंदर ही 3-4 वेटिंग टूट जाएंगी ग्रुप डी की, ठीक है भाई। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं, यदि किसी उम्मीदवार को 3 साल के भीतर नौकरी की जरूरत महसूस होती है तो वह दोबारा भी अप्लाई कर सकता है। ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि मान लो आज आपने जैसे ये पोर्टल खोलेगा, पोर्टल में मांगेंगे यस नो का ऑप्शन मांगेंगे, अगर आज आपने नो कर दिया ना भाई, तो ये कह रहे हैं कि 3-4 साल के बाद अगर आपको महसूस होता है कि भाई ग्रुप डी की आपको नौकरी करनी है, तो भी आप इसमें दोबारा जब पोर्टल ओपन होगा तो आप एलिजिबल होगे भाई, तो भी आप दोबारा इसमें नौकरी कर सकते हो। ये कह रहे हैं दोबारा आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कि भाई हाँ मुझे ग्रुप डी की नौकरी करनी है, लेकिन उसे केवल उस तिथि में आमंत्रित किया जाएगा जब पद खाली होगा भाई। तो आम सी बात है कि भाई पद खाली होंगे तभी वो आमंत्रित कर पोर्टल खोलेंगे। उसके साथ साथ भाई ये कह रहे हैं कि आयोग के अनुसार अभी उनके पास डिटेल परिणाम नहीं आया, इसके आते ही उम्मीदवारों के लिए उनके पसंद के पदों का चयन करने वाला पोर्टल खोल दिया जाएगा। एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है भाई, जो ये बताएंगे कि यार पोर्टल खोलेगा कैसे, मतलब किस तरीके से वो ड्राइव काम करेगा। इसमें भाई ये कह रहा है कि कैंडिडेट से हम पूछेंगे, इसमें पूछा जाएगा कि क्या वे ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हैं या नहीं, भाई चाहते हो या नहीं चाहते हो, यस नो का ऑप्शन आएगा। यदि उन्होंने मना कर दिया तो वे पोर्टल वहीं बंद हो जाएगा और उनको जो फिलहाल जो अभी पद चल रहे हैं उन पदों में उसको मौका नहीं मिलेगा। ये तो आपको पता है अभी सबको कि जो ग्रुप डी के अंदर भाई 13,657 पद फिलहाल सरकार बता रही है, और भी आयोग के अनुसार जो आपका जो पोर्टल खुलेगा डी और डीवी के लिए, और जो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो पोर्टल खुलेगा, उसमें ये 41,000 लोगों को मौका देंगे भाई, और टोटल लोग इसमें 4,10,000 पास हुए हैं, ठीक है। और भाई इसमें साथ साथ ये एक खबर हो रही है, देखो ये मेन है, ये कह रहे हैं कि अभी जो सामाजिक आर्थिक अंक हैं भाई, वो निलंबित कर रखे हैं क्योंकि हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई है जो कि 31 तारीख को होनी है, ठीक है, 31 जनवरी को होनी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि स्कोर कार्ड में सामाजिक आर्थिक अंक स्थायी रूप से दर्शाए गए हैं, मगर जब तक हाई कोर्ट में लंबित याचिका का फाइनल परिणाम नहीं आता तब तक ये अंक निलंबित रहेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने इस कोर्ट के तहत अंक पाने के लिए किसी अवैध तरीके से गलत दावा किया होगा, तो उसकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और ये मेन बात है भाई, जो आयोग है भाई आपका, आयोग जो है भाई इसी हफ्ते से अभ्यर्थियों से आपत्तियां भी मंगवाएगा, यानी कि जो भी अभी जो नेक्स्ट मंडे आएगा, तो मंडे को हो सकता है मंडे या वेंसडे तक आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, और जिसमें आपको यस नो का ऑप्शन डालना है और उसके साथ आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी भरनी, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वीक भी आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा अभ्यर्थियों के लिए। तो ये थी भाई आज की न्यूज़, और ग्रुप डी रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। राम राम सभी को, धन्यवाद।